हम यहाँ पे आए हैं इस वक्त हनुमान भट्ट साहब से कुछ बातचीत करने। बेसिकली तो हम यहाँ पे आज आए थे कुछ कबूतरों का शौक करने, तो बड़े शानदार कबूतर हैं भट्ट साहब के। तो कार भाई भी कह रहे थे उस दिन रात को शौक किया, तो कह रहे थे कि चलो किसी दिन दिन में भी शौक करें, तो हमने सोचा कि चले आज यहाँ से गुजर हो रहा है तो भट्ट साहब का शौक करते जाएँ, तो थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे भट्ट साहब से और पूछेंगे इनसे इनके कबूतरों के बारे में। माशाल्लाह बहुत शानदार कबूतर हैं, और साथ साथ अभी भट्ट साहब टूर लगा के आए हैं दुबई का, तो वो भी पूछेंगे कि जी वहाँ पे जो कबूतर देखे, यहाँ रख वहाँ पे जो कबूतर देखे उनके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। और वहाँ से अगर, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान से अब ट्रेंड बना हुआ है, लोग जा रहे हैं वहाँ से कबूतर लेकर आ रहे हैं, तो पूछेंगे भट्ट साहब क्योंकि यहाँ पे भी शॉपिंग पे तो बड़ा जोर रखते हैं, यहाँ पे भी अक्सर औकात अच्छा कबूतर जहाँ नज़र आ जाए, तो जो भट्ट साहब को कबूतर नज़र आ जाए भट्ट साहब फिर वो ले तो लेते हैं। हमने काफ़ी कबूतर ऐसे देखे हैं जो भट्ट साहब तकरीबन जो है हम इनको पसंद आए हुए कबूतर हैं वो बाद में इनके खुदे में नज़र आते हैं तकरीबन। तो बातचीत का स्टार्ट भी हम इसी बात से लेंगे, कबूतरों से शुरू करते हैं। पुराना चलें जी, आप कबूतरों से शौक स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ फिर बातचीत भी करेंगे। तो पहला जो कबूतर दिखा रहे हैं वो है कौन सा? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्ट साहब, ये कबूतर कौन सा है जो आ रहा है? ये चौधरी सही वाला प्योर कबूतर, जो चौधरी सही से मैंने खुद लिया हुआ है, साल चौधरी सही साहब ड्रैक लिया हुआ है। ठीक हो, पुराने कबूतरों में से 20 साल पहले जो कबूतर पुराने कबूतर टैगू शैगू के साथ के? हाँ जी, वो पुराने कबूतर 20 साल पहले वाले कबूतर वो। हाँ जी, ले जी कबूतर ये दिखाएंगे अब। माशाल्लाह उस्ताद मंजीत सिंह साहब, उस्ताद कामिल जैदी साहब, उस्ताद मियां हामिद साहब, उस्ताद हैदर जोया साहब और हमारे सीनियर उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब। ये देखें जी कबूतर, ये चौधरी साहब वाले कबूतर में से आपको कबूतर दिखा रहे हैं। क्लियर है? उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब देख रहे होंगे, उनको बड़े पसंद है ये, और ये बड़ी पुरानी ताकीद है उनकी, मुझे इस तरह के पंजे हुआ करें तो दिखाया करो। क्या बात, हाँ मुझे एक कहा था मैंने, तो हर तरह के पंजे दिखा रहा था, ये दिखाया कर तो गहरे। बट सर कितनी उम्र का ये लाल दाग शुरू से क्या हुए हैं इसके ऊपर? देखिए वक़्त के साथ साथ होते हैं, पहले हल्के थे और उनके बाद गहरे हो गए, पहले हल्के थे उसके बाद गहरे हो गए। बहुत आला कबूतर, मुकार अंसारी साहब भी देखेंगे। चौधरी साहब, चौधरी साहब वाला कबूतर आज सिर्फ चौधरी साहब वाले कबूतर दिखाएंगे। वो कितने तो काफी ज्यादा, पर 7-8-10 कबूतर ही दिखाएंगे। मेन कबूतर जिनसे चले हुए जी। क्या बात, माशाल्लाह इतना रंगा हुआ क्यों है? वैसे ही बड़ा खूबसूरत नहीं लगता? वैक्सीन करने के बाद शौक करवाएंगे वकार अंसारी साहब वहाँ से। इसको कड़ी भी चौधरी साहब वाली लगी हुई है, CH41 मतलब ये 41 है मेजर, उनके घर में 41 के घर में ये लगी हुई है कड़ी, उनके घर की लगी हुई है कड़ी। विशाल थोड़ा और जूम कर,
आंख इसकी जरा दोबारा दोबारा देखिए, ये जी CH41 कड़ी भी दिखा देना, दिखाई ना कड़ी ये आपका नहीं है मेरे पास, फोटो काफी पुराना है। अच्छा, ये बेटी बेटी है मेरे पास काफी सुधार है। पहले शायद ये नाल दिया फड़ लो ना, वो बाद च छड़। वाह, ये अभी पक्की जवान हो गई बस, पर जो लो अभी से देख लें लाल के काम बिल्कुल पर होता है। अभी मैंने फैंसी तो पाई थी, नहीं इधर भी आ रहे हैं, ब्लू शॉप पर आएगा ना उनका। लेकिन ये कौन से वाले की जो अभी गया उसकी, जी उसकी पक्की क्या बात, माशाल्लाह प्रॉपर आ इसकी मतलब अच्छी खासी ब्लड लाइन है यहाँ। जी जी अच्छी खासी ब्लड लाइन, वो नहीं बात नहीं। कैसी शानदार पट्टी बनी, बड़े कॉम्पैक्ट साइज में। आओ जी ये उनको दो और ये इधर दिखाओ जरा, ये देखें ये इसकी दूसरी पट्टी है। उम्मीद है ये पट्टी भी आप दोस्तों को पसंद आएगी। कलर कलर इसका देखें, ये उतार दो जी, ये वाली दिखा दें जरा, बाद में लिख लीजिएगा हमें जरा लिखते की जो मैंने पता है वो लिख रहे ना कोई केड़ी कितों कड़ी। हाँ सही है, ये भी उसी की, ये भी उसी की देखेंगे। ये भी पट्टी है यार, क्या बात है, इसकी दुम देखेंगे कितनी छोटी सी दुम, माशाल्लाह बड़े कॉम्पैक्ट साइज में यहाँ तक, क्या बात माशाल्लाह, बहुत आला बहुत जब मेरे हाथ में तो कार के हाथ में है, ये आखिरी है, तीनों एक ही बैंक एक ही एक ही बैंक एक ही बैंक
तो बड़ा खुलवा देते हैं चले बोल नीचे फिल्म हुई जी ये अलग माफी से क्लियर हो गया 10 नंबर फाइल दस नंबर मेन दस नंबर बड़ा नहीं बड़ा मतलब ये वो पति है जिनके इस दफा भी उड़े हैं और वो पिछले अस्सू में भी एक बच्चा था जी जी बिल्कुल वही है अच्छा जिस दफा जेठ में भी उसमें एक बार आता वाला भी मैंने डाला अच्छा वाह बड़ी वाह ये हमारे वाले भी डली में वाह फिर चोरी साहब वाले हैं वो भी तो नहीं है बिल्कुल ऐसे क्या बात ये भी चोरी साहब वाले पूछ रहे हैं चोरी साहब नहीं जी ये भी देखेंगे उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब उस्ताद मंजीत सिंह साहब उस्ताद हैदर भाई उस्ताद हैदर जोया साहब कामिल जैदी साहब मारूफ बलोच साहब उस्ताद मलिक बाबर साहब जो जो दोस्त हैं हमारे जो देख रहे हैं कबूतर उस्ताद राजा जमील साहब अरमुगान इलाही साहब देखें ज़रा कबूतर उस्ताद मियां नदीम शीर साहब उस्ताद राना सुखी साहब जो जो दोस्त हमारे इन दोस्तों का शौक करते हैं इनको जानते हैं आमिर भाई यूके से देखें जी ये बड़ा 10 नंबर क्या बात है माशाल्लाह कोने वाला के ऊपर ले आए भाई टैगू भी लाएगा वाह वाह तो भाई से बात करते हैं कबूतर जो वकार भाई के हाथ में था ये जो अभी शॉक करवा रहे थे इसके बारे में व्हाट्सएप बता रहे थे ये 10 नंबर कबूतर जी 10 नंबर कबूतर और इसके मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट है माशाल्लाह ये डायरेक्ट भी चोरी सही के घर का कबूतर है अच्छा डायरेक्ट चोरी सही साहब के घर का तो व्हाट्सएप ये जो कबूतर मेरे हाथ में ये भी दिखा दो ये भी कोने वाले कबूतर हैं ये टैडी कबूतर है ये चोसा वाला नहीं ये चोसा वाला नहीं अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह दिखाएं जी वकार साहब ये कबूतर भी दिखाएं इसके बाद हम इस पर जाएंगे मेरी जान पाकिस्तान नेटवर्क काफी प्रॉब्लम चल रही है काफी देर से जी जी अच्छा हुआ साथ में रिकॉर्ड कर ली ये कोने वाला ये कोने वाला कबूतर बता रहे हैं टैडी कबूतर माशाल्लाह अब सबसे अच्छा वहाँ पे है वहाँ से बता रहा है कहीं पे भी आ जाएगा आएगा तो फिर कहीं भी अच्छा आ जाएगा हेलो फोकस है फोकस स्क्रीन पर कितने मिनट की चल रही है 15 मिनट के आगे आगे इस पर करो फोकस है 15 मिनट से 15 मिनट ऊपर से दिखाया फिर कबूतर में तो टाइम लगाएंगे
ये टैगू कबूतर और ये मेरा फेवरेट है बट साहब के घर का पुराना कबूतर है। और ये भी बट साहब बताएंगे ये कौन से कबूतरों में से है। ये जी कबूतर माशाल्लाह चौधरी साहब के जब कबूतर चौधरी साहब ने उड़े कबूतर छोड़े थे तो ये उन कबूतरों में से कबूतर है। अच्छा, ये चौधरी साहब के पास भी उड़ा हुआ कबूतर है और ये इधर आके जो मेरे चाचू हैं माशाल्लाह मेरे उस्ताद भी हैं, उस्ताद मानी बाग किसी तारों के मुताज नहीं है माशाल्लाह, नेशनल चैम्पियन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबको पता है माशाल्लाह, ये उनके पास भी उड़ा हुआ कबूतर। अच्छा जी माशाल्लाह। अच्छा, मेरा ख्याल जब नेशनल चैम्पियन होते तब भी उड़ा था ये। जी बिल्कुल, तब भी ये उड़ा है। बिल्कुल दिखाएँ ये कानून भाई, काफ़ी सालों से आप इस कबूतर को देख रहे हैं, ये पहले जोन से ज़्यादा बिल्कुल ऐसे गाढ़ा हो गया कबूतर, लाल ब्राउन चाप। हाँ, अगर इसकी पुरानी तस्वीर वो ग्रीन खुडों की लगी हुई है जी बिल्कुल, तो वो लोग पहचानने भी ना दिए। हाँ, बिल्कुल ये वो कबूतर है, हल्के हल्के से कांटे देखिए ना, इतने साल का ये कबूतर है और लोग कहते हैं कि जी कबूतर जो ज्यादा एजेंट होगा फिरोजपुर भी आंखें काट देते हैं, ये इसने तो नहीं की वो नहीं है, इसने नहीं है वो आंखें की। हाँ, सोचने वाली बात है। इसने भी नहीं की वो जो एक और सबसे पहला जो देखा जी, उसने भी नहीं की CH-41। हाँ, उसकी भी नहीं, उसकी भी नहीं, रेडिश शेड कायम है उसमें, बिल्कुल रेडिश शेड का। और आप ये भी देखें ये कबूतर काले पंजों पर काले नाहनों के कबूतर हैं, ये ना ही मोमी और वाइट नोकों के कबूतर हैं और ना ही इनमें वो जो सफेद पंजे आते हैं वो आ रहे हैं, जो जितने भी मैंने आपको कबूतर दिखाए। अच्छा बट साहब माशाल्लाह इतने तो अच्छे कबूतर आपके अपने पास हैं, ये चौधरी साहब वाले कबूतर अभी जो टैडी कबूतर जी, तो हमने सुना था कि आप दुबई गए हैं कोई कबूतर लेने हैं, तो वो कबूतर कब आ रहे हैं आपके, वो दिखाएं कब दिखाएंगे आप दिखाएंगे आपको। अच्छा लाए वहाँ से दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, देखिए कबूतर जो सोच रख के गया था कबूतर लेने के लिए मुझे वो कबूतर वैसे नहीं मिले। अच्छा नहीं मिले, तो जो सोच रख के आप गए थे वैसे कबूतर नहीं मिले। हाँ जी, वैसे कबूतर नहीं मिले। ये क्या बात है, देखिए हर एक की अपनी अपनी एक पसंद होती है। मैंने ये जो सोचा था कि इस तरह के कबूतर होंगे शायद वहाँ पर। अच्छा ठीक है, जो ये पुराने चौधरी साहब वाले कबूतर इस तरह के शायद ऊपर भी कबूतर होंगे, पर मुझे वहाँ से कबूतर इस तरह के नज़र नहीं आए, मिले नहीं है। अच्छा नहीं, हमने तो यही सुना कि चौधरी साहब वाले जो कबूतर हैं वो बड़ी अच्छी हालत में जो है वहाँ दुबई में मौजूद हैं, अहमद कंबर साहब के पास हैं, फिर वो एक जो आप चैम्पियन होते हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, बू अली साहब हैं माशाल्लाह जी, बू खलीफा बू अली साहब के कबूतर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उनके कबूतर मुझे पसंद है। सही, उनके कबूतर बहुत अच्छे हैं, और भी काफी दोस्त हैं। बाकी देखिए देखें कबूतर अच्छे होंगे उनके, और उनके अपने लिहाज से अच्छे होंगे कबूतर, मुझे नहीं पसंद आए कबूतर ना अहमद कमर साहब के, मुझे कबूतर देखिए उनके बहुत अच्छे कबूतर हैं, बहुत अच्छे होंगे कबूतर उनके, मुझे कबूतर नहीं पसंद आए अहमद कमर साहब। हाँ जी, उनके मुझे कबूतर नहीं पसंद आए। मियाँ हामिद साहब वहाँ से लाए हैं माशाल्लाह, उड़ा रहे हैं मियाँ हामिद साहब की अपनी मेकिंग है, उन्होंने ला के बनाया। उन्होंने देखिए मेरी उनसे बात होती थी, उन्होंने कहा मैं 34 कबूतर लाया हूँ, मेरे पास अगर 5-6 कबूतरों ने काम किया वो भी अपने कबूतरों में उन्होंने लगा के वो काम किए हैं उनके कबूतर, और 28-30 कबूतर उनके उन्होंने निकाल दिए हैं। ये बहुत बड़ी रेशो है कि 34 कबूतर उन्होंने खरीदे हैं और 28-30 कबूतर उन्होंने निकाल भी दिए हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पास तो 4-5 कबूतर उन्होंने काम किया है और वो भी उन्होंने मेंटेन किए हैं, ये तो फिर कारीगरी उनकी हुई ना। सही है, कारीगरी तो मियां अहमद की हुई ना, के उनके कबूतर उन्होंने मेंटेन किए हैं। क्या बात, बिल्कुल सही, माशाल्लाह चैंपियन है जी अहमद कमर साहब, यूएई के चैंपियन है वो। उन्होंने ना मुझे मैसेज किया है, किन्होंने, अहमद कमर साहब ने। अच्छा जी, कहते हैं मैं आपको सुना भी देता हूँ, सुनाए मैसेज जी, सुना रहे क्या, देख लेते हैं क्या, किस बात पे मैसेज किया जी, आने के बाद जी जी मैं होके आया हूँ तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है, वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी पर मैं उनको रिप्लाई नहीं किया इस बात से। उन्होंने मुझे माशाल्लाह बोला कि आपको कबूतरबाजी नहीं आती,
تو آپ کبوتر بازی سیکھے. تو میں ماشاء اللہ سیکھ ہی رہا ہوں جی, میں ہر ایک سے سیکھتا ہوں ماشاء اللہ, میں سیکھ ہی رہا ہوں کبوتر بازی. چلا رہے ہیں پیسے چلائیں جی جی. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اتر بازی پہلے سیکھو. تو مٹھو بھائی کی بھی بات کر رہے تھے, نہیں مٹھو بھائی کی وہ بات کر رہے تھے کہ ان کے کبوتر اینڈ پہ ماشاء اللہ نو ڈاؤٹ جی, ان کے کبوتر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اڑے ہیں, بہت اچھے اڑے ہیں. تو وہ مٹھو لالی صاحب آپ سے کبوتر تو نہیں لے کے گئے, انہوں نے اپنے کبوتر بنائے ہیں, ان کے اپنے ذاتی کبوتر ہیں, پپلوں والے کبوتر ہیں ان کے, وہ آپ سے کبوتر تو نہیں لے کے گئے. ٹھیک ہے, اس طرح استاد میر مختار خان صاحب ہیں یا اکمل خان صاحب ہیں, انہوں نے آپ سے کبوتر تو نہیں لیے, ان کے اپنے ذاتی پرسنل کبوتر ہیں, انہوں نے خود بنائے ہیں وہ کبوتر, انہوں نے اپنے گھر میں بنائے ہیں وہ کبوتر, انہوں نے آپ سے کبوتر نہیں لیے. وہ چیمپئن کھلاڑی ہیں, وہ انہوں نے پورے پنجاب سے بازیاں اگر اڑائی ہیں تو انہوں نے وہ اپنے کبوتر بنا کے انہوں نے وہ کبوتر اڑائے ہیں, وہ دوسرے آپ سے کبوتر نہیں لے کے گئے. اگر اس طرح ملک مبشر کھوکر صاحب ہیں, ٹھیک ہے یار, انہوں نے کلی کلی کے بچے شام تک اڑا دیے, وہ آپ سے کبوتر تو نہیں لے کے گئے. اس طرح استاد حیدر علی جویا لاہور میں چیمپئن ہوئے ہیں, انہوں نے آپ سے کبوتر تو نہیں لیے, ٹھیک ہے, وہ آپ سے کبوتر لے کے گئے ہیں, انہوں نے بھی اپنے کبوتر بنائے ہیں, وہ میاں نذیر والے کبوتر ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح ہمارے جو لیجنڈ ہیں ورلڈ فیمس انہیں مانتے ہیں لوگ, چودھری سخی صاحب ہیں, آپ ان سے کبوتر لے کے گئے ہو. ٹھیک ہے, چودھری صحیح صاحب کے کبوتر میرے پاس بھی ہیں, الحمدللہ ہم چیمپئن بھی ہوئے ہیں ان کبوتروں سے, ہم نے وہ کبوتر اڑائے بھی ہیں, بنائے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح میاں نذیر صاحب ہیں, میاں نذیر صاحب کے کبوتر دیکھیں, کبوتر پاکستان سے کبوتر آپ کو گئے ہیں ادھر, آپ کے پاس نہیں اچھے بن سکے, مجھے نہیں پسند آئے, تو اس میں آپ کو گلا کرنے کی کیا ضرورت ہے جی, آپ نے مجھے ٹون کیا ہے. دیکھیں میں تو سیکھنا چاہتا ہوں اب آپ سے, آپ نے ماشاء اللہ ادھر گجرا والے چھاتر بنائی ہے, میرا بچار میں صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ نے ادھر بچے بھی بھیج رہے ہیں, آپ کبوتر بھی چھوڑ رہے ہیں, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا آپ سیکھیں, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, آپ سے شو کرنا چاہتا ہوں. میری الحمدللہ ذاتی چھت بالکل تیاری کے مراحل میں ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, میں آپ سے 2026 میں شو طے کر لیتا ہوں. ہم ایک جیسا, کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا, ایک جیسا ماحول, ایک جیسی جگہ اور علاقہ بھی ایک, گجرا والا کوئی فرق نہیں ہے, کلو دو کلو میٹر کا فرق ہے ان کے ادھر سے, آپ میرے ساتھ شو طے کر لیں جی. اگر آپ چاہتے ہیں جیٹھ میں آپ دبئی سے اڑا لیں, میں ادھر پاکستان سے اڑا لوں گا, یہ بھی چھاتا آپ دے دیں گجرا والا سے بھی, آپ دبئی سے جیٹھ سے اڑا لیں, میں پاکستان سے اڑا لوں گا, میرے ساتھ 2026 کا شو طے کر لیں. وہ مشکل نہیں ہوگا وہاں سے, یہاں ٹائمنگ کا فرق ہے, کوئی بات نہیں جی, وہ اپنی ٹائمنگ سے اڑائیں گے, ہم اپنی ٹائمنگ سے اڑائیں گے, اس میں کیا ہے, نیا ٹرینڈ ہے. ہاں جی, ہم اپنی ٹائمنگ سے اڑائیں گے, وہ اپنی ٹائمنگ سے اڑا لیں. ہم نے تو دیکھے نا جی ماشاء اللہ, کہ وہ کہتے ہیں شام شام کو بیٹھتے ہیں, دیکھیں شام کو بیٹھتے ہیں, 7 بجے کے بعد ہی بیٹھیں گے تو ماشاء اللہ شام ہی ہوگی نا. اور آپ نے مٹھو لالی صاحب کی بات کی ہے, وہ ایک اچھے پلیئر ہیں, وہ اچھے کھلاڑی ہیں, انہوں نے آپ کے کبوتر نہیں اڑائے, انہوں نے اپنے کبوتر اڑائے ہیں. اور آپ نے پپلوں والے کی بات کی ہے, پپلوں والوں نے اپنے کبوتر اڑائے ہیں, آپ سے کبوتر نہیں لیے انہوں نے,
वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे शौकीन हैं, आप उनकी बीच में बात मत करें, ठीक है। आप टून करके बात कर रहे हैं, आपने अगर शो करना है तो मेरे साथ, मैं हाजिर हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मैं आपसे सीखूंगा, कुछ ना कुछ तो सीखूंगा। आप बड़े खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं माशाल्लाह। मेरा कोई भी किसी पार्टी से कोई भी एक हिट नहीं है, मेरा सिर्फ अहमद कमर साहब से, तो उन्होंने मुझे एक बात कही है, मैंने उनकी बात से एक बात की है, ठीक है। मेरा उनसे भी कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने कहा आप सीखें, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आप मेरे से शौक तय करें। गुजरांवाला में छाता आपने बनाई है, वो माशाल्लाह मैं भी गुजरांवाला भी छत बनाई है, आपसे शौक जी बिशार में उन्होंने शकीर उनके भाई को शकीर भी किया ना। अच्छा, उनके नाम से छत उड़ेगी। अहमद कमर साहब ने उधर से काफ़ी कबूतर भेजे हैं, बच्चे भी भेजे हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं, इस साल आए भी हुए थे, वो सारा मौसम वगैरह देख के वो गए हैं, सारा कुछ देखा है उन्होंने माशाल्लाह। तो माशाल्लाह हमारे जो हमारे पाकिस्तान के कबूतर हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे कबूतर हैं, सबके सब ने बहुत अच्छे लाजवाब कबूतर बनाए हैं जी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे कबूतर इस टाइम भी अच्छे ब्रीडर कबूतर पड़े हुए हैं। हम तो पता नहीं क्या क्यों, मैं तो ये सोच रखे गया था दुबई जाऊँगा देखूँगा कबूतर। मुझे तो बू अली के कबूतर सबसे देखें जी, अगर मुझे उसके कबूतर पसंद आए, वो बंदा चैम्पियन भी हो रहा है, खलीफा बू अली वो चैम्पियन भी हो रहा है उसके कबूतर। अगर आप कहते हैं कि उन्होंने, आप कह रहे थे कि उन्होंने हमसे कबूतर लिए, हमसे लिए, फिर आपसे लिए तो आपसे तो फिर अच्छे बना लिए उन्होंने कबूतर माशाल्लाह, उन्होंने तो फिर आपसे अच्छे बना लिए कबूतर। सही, हमें जितनी को समझ आएगा, हम समझते हैं कि वो अच्छे कबूतर हैं, तो फिर वो चैम्पियन भी हो रहे हैं, वो चैम्पियन भी हो रहे हैं वो। सही है, 2021 में भी चैम्पियन हुए हैं, 23 में भी चैम्पियन हुए हैं, 24 में उन्होंने उड़ाया नहीं, कहता ये मेरे कबूतर शाम को ओवर टाइम हो जाते हैं, उनके हुए भी हैं, सब लोगों ने देखे हैं। मुझे तो खलीफा बू अली के कबूतर अच्छे लगे हैं, मैंने जिस बंदे की तारीफ कही है उसके कबूतर अच्छे लगे हैं, तो मैंने बोल रहा हूँ मुझे आपके कबूतर पसंद नहीं है, तो आपने गिला करने की आपको ज़रूरत क्या है? आप कह रहे मैं ज़रूरी है कि आपसे खरीद के लेके जाने हैं कबूतर, आपके ज़बरदस्ती आप मुझे नहीं दे सकते ना, कोई ज़बरदस्ती दे सकता है कामना भाई किसी को कबूतर कि आप ज़बरदस्ती ले जाएँ? आप तो ज़बरदस्ती वाली बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने मेरे से बात की है ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है भाई। आपने कबूतर पाकिस्तान से लिए हैं, ठीक है, ये पाकिस्तानी कबूतर हैं, ये आपके कबूतर नहीं हैं, जिन कबूतरों की आप बात कर रहे हैं ये पाकिस्तानी कबूतर हैं, और ये हमारे चौधरी सखी साहब लेजेंड उस्ताद वर्ल्ड फेमस, ये उनके कबूतर हैं। ये मैं किसी भी एक पार्टी को हिट नहीं कर रहा, ये मेरी और अहमद कमर साहब की बात है, ठीक है, किसी भी एक पार्टी के ऊपर मैं नहीं जा रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे मैसेज किया और उनके मैसेज करने का अंदाज़ बिल्कुल गलत था, ठीक है। उन्होंने दो चार लोगों से भी बात की, उन्होंने मेरे तक पैगाम पहुँचाया, इसी वजह जी उन्होंने मेरे तक पैगाम भी पहुँचाया कि वो इस तरह कह रहे हैं। मैं कह यार ज़बरदस्ती है कि मैं कबूतर खरीदूँ, मैं ख्वाहिश था बू अली के कबूतर खरीदने का, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको अनकरीब कबूतर भी दिखाएंगे। अच्छा जी, अनकरीब दिखाएंगे वो कबूतर। सही, जो कबूतर पसंद आए हैं बाहरी बात है, वो ही लेने थे ना कबूतर, दूसरे कबूतर तो नहीं लेने थे। आप कहेंगे अहमद कमर से कबूतर लेने, हम क्यों लेंगे, कबूतर नहीं पसंद है नहीं लेने थे। ठीक हो आप तो अपने पास काफी मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर है। शाम देखिए कहा ना भाई, शाम तक ही उठते हैं ना कबूतर जी, शाम को ही उड़ने हैं कबूतर, ठीक है। कभी कबार बैड लक भी हो जाती है कबूतर, तीन चार बजे मियां साहब वाले भी आगे पास काफी, मियां साहब वाले भी बहुत अच्छे कबूतर। मैंने तो आज सिर्फ चोरी सही वाले इसलिए कबूतर दिखाए हैं कि मैं दिखाऊं कि मेरे पास भी कबूतर मौजूद हैं जो पुराने कबूतर हैं। अच्छा जी, पुराने कबूतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे पास मौजूद है। और जो देखें दाना कुकू साहब हैं, उनके पास बहुत अच्छे कबूतर हैं, टैडी कबूतर। तो पहले भी आपके पास कोई दुबई से आए हैं कबूतर इससे पहले? नहीं, कोई बता रहा था कि जी कोई एक दफ़ा गिफ्ट आए हैं आपके पास कबूतर, कोई टिकटॉक पर लाइव कोई बात हुई भाई, वो कबूतर बट साहब को पसंद आए थे मेरे ख्याल, बाबा सिकंदर साहब और उमर मलिक था उस दिन कॉल जी जी, हाँ वो बता रहे थे कि उस वक्त बट साहब को अच्छे लगे थे कबूतर आए थे दुबई से। देखिए जी दुबई से आने और बात है, उस घर से आने और बात, उस घर से आने और बात। अच्छा अच्छा अच्छा, दुबई से कबूतर आने और बात है, सही हो, और उनसे कबूतर आने और बात है, ठीक है। हाल ही उन्होंने तो कबूतर तो ना लिए चोई साहब से, और भी बहुत सारे लोगों ने लिए हैं उनसे कबूतर, ठीक है, उन्होंने मेंटेन किए आगे कबूतर। अहमद भाई मैं आपसे शो करना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ शो तय कर लें माशाल्लाह, आप पाकिस्तान आ जाएं, कहते हैं नहीं तो फोन पे बात कर लेंगे, मुश्किल नहीं है,
मुश्किल नहीं है भाई, नया ट्रेंड बना रहे, मुश्किल नहीं है माशाल्लाह। प्यार मोहब्बत से शो करेंगे हम आपसे, सीखेंगे, आप सीनियर हैं, आप सीनियर हैं, हम आपसे सीखेगा माशाल्लाह। हमारे साथ शो, हम आएगा आपको अप्रिशिएट करेगा, फिर हमसे आपसे महंगा महंगा खरीदेगा कबूतर। फिर आपने मुझे इतने का कहा, मैं 500 ज़्यादा में खरीद लेगा आपसे कबूतर। अब हम अगर अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया तो आप हमें भी अप्रिशिएट कीजिएगा, ठीक है जी? ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर साहब को पैगाम दे दिया। हाँ जी, अहमद कमर साहब को पैगाम है, प्यार मोहब्बत में, प्यार मोहब्बत में जी, प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत से ही शौक। और ये शौक मैं सिर्फ अहमद कमर साहब से ही करना चाहता हूँ, किसी और पार्टी से नहीं कि मैं उसको हिट कर रहा हूँ किसी पार्टी को। अच्छा। ये अहमद कमर साहब से ही मैं शौक करना चाहता हूँ, ठीक है? इसलिए बाद में क्लियर की है, पसीना आ गया ना। बिल्कुल, पहली दफा हुआ ना ऐसा काम मेरी वीडियो में, ये सही है। चले, अच्छी बात है। बारह एक मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई तो थी जी जी, लोग कह रहे थे कि जी, कुछ की बता रहे थे कि जी आप लेके कुछ कबूतर आपने लिए हैं, कोई कह रहा है कि नहीं दुबई में कबूतर ही नहीं, दुबई के कबूतर ही नहीं पसंद है। अच्छा, तो ये आपने क्लियर किया कि दुबई सारे के नहीं, बू अली के आपको पसंद आए हैं? खलीफा बू अली के कबूतर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। सारे दुबई की बात नहीं हो रही, जी किसी जिसने भी खबर फैलाई वो गलत। जी जी, चले सही हो, इसलिए मैंने उसको क्लियर किया ना बात को, ठीक हो। लोगों की बातें फिर वो एक बात कोई करे तो उसको रंग दे के आगे 50 कलर में आगे लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इसलिए मैंने पैगाम दे दिया छोटा सा। मैं अहमद भाई आपसे प्यार मोहब्बत में शो करूंगा जी, मैं आपसे सीखूंगा जी इंशाल्लाह ताला, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। नहीं जी नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि उस्ताद अहमद कंबर साहब को व्हाट्सएप की तरफ से पैगाम चला गया होगा, वो अल्लाह करेगा जो भी इंशाल्लाह कोई अच्छा उनके बात के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपको बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप मेरे भाई थे, कल भी दोस्त हैं, अच्छे शौकीन हैं, आपसे मेरी कोई भी इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल सही है, तो इसके साथ ही मेरा ख्याल है कि हमें इजाज़त दें। तो ये जो नुमान और ये अभी जो हमने कबूतर दिखाए, नुमान से और विशाल से, मैं कहूँगा जाके थोड़े से वो कबूतरों की वीडियो बना लें और उसके बाद इसको रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ से भी रिकॉर्डेड बना लें टिकटॉक पे। इसके साथ ही हमें उस्ताद नुमान भट्ट साहब के साथ इजाज़त दें जी, अल्लाह अल्लाह। कर ले भैया, ये पीछे सबसे कोने वाला, बाकी सारे बंद कर दे, करने उस स्पाइडरमैन को उतार।